अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए पायों की रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए मैंने ली हैं ये 6 अदद पाए हैं, ये मटन के पाए हैं, और ये पानी लिया है मैंने, और ये ऑयल लिया है तकरीबन 1 कप, और ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं 3 से 4, और ये 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज काटे हैं, और ये सब्ज़ धनिया है, और ये 5 टेबलस्पून दही लिया मैंने, और ये 1 टेबलस्पून लहसुन है, ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, और ये 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लिया है, और ये 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और ये 8 से 10 इलायचियाँ ली हैं, और ये 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, और ये 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्चें ली हैं, और ये साबुत गर्म मसाला लिया है मैंने। अब मैं ऑयल डाल रही हूँ पहले। और फिर मैं प्याज डाल के वो लोड़ी थोड़ा, प्याजों को सोते करना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। अब फिर मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। अब मैं इसमें अदरक डाल दूँ। अब मैं जीरा डाल दूँ। और फिर मसाले साबुत डाल दूँ। अब मैं मिर्चें डाल दूँ। अगर किसी ने नमक या मिर्च ज़्यादा डालना हो तो अपनी पसंद से डाल सकते हैं। हल्दी डाल दी। नमक डाल दें। और इलायची डाल दी। मैं पाई डाल दूँ। अब मैंने 8 से 10 मिनट तक अपने पायों को थोड़ा भून लिया है, और फिर अब मैं इनको गलाने के लिए इसमें पानी डालूंगी। ये तकरीबन 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि ये हमारे पाए अच्छे से गल जाए इसमें। अभी मैं अपना प्रेशर कुकर लगा रही हूँ, और तकरीबन आधा घंटा मैं इसको छोड़ दूँगी गलने के लिए। हमारे अब गल गए हैं। अब मैं इनको भूनूंगी और इसमें मैं दही डालूंगी। पाए हमारे रेडी हो गए हैं। अब आप इनको खाएं और एंजॉय करें, और मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।